हाँ तो क्या हाल है सबके, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं राहुल और आप देख रहे हैं न्यूज बॉय एपिसोड 4। बढ़िया ताजा ताजा बासी खबर है इस वाले वीडियो। हनुमान मूवी के रिलीज डेट से लेकर थलापति 67 के पोस्टर तक, जो लोकी यूनिवर्स लोकेश कनगराज यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है। हाँ तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो, डेली वीडियो लाता रहता हूँ मूवी से रिलेटेड। चलो तो इस वाले वीडियो को शुरू करते हैं हनुमान के रिलीज डेट के साथ, जो एक पेन वर्ल्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ, मूवी के मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया है एक शॉर्ट मोशन पोस्टर टाइप वीडियो में, जिसमें दिखाया गया है मूवी 12 मई को रिलीज होगा 11 लैंग्वेज में और दुनिया के किस किस कोने में होगा आप पोस्टर में देख सकते हैं। हनुमान मूवी के साथ साथ आदि पुरुष का रिलीज डेट ऑफिशियली अनाउंस किया गया है, 16 जून को आएगा मूवी और अप्रैल या मई तक इसके टीजर या ट्रेलर देखने को मिली जाएगा। पहले वाला नहीं, पहले वाला तो ऐसे हक दिया, जो नया टीजर या ट्रेलर होगा वो देखने को मिलेगा। अब आते हैं हमारे चाहते भुवन बाम के इस साल के दूसरी वेब सीरीज के बारे में, जो अमेजन मिनी टीवी पे आएगी 25 जनवरी को। सीरियल का नाम है रफ्ता रफ्ता। बेसिकली ये करण और नितिया की प्रेम कहानी होगी, नॉट योर एवरेज रोमांस गोल। तो क्या मैच होगी इनकी वाइफ या लाइफ होगी आउट ऑफ कंट्रोल, टीजर के डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है। सीरीज में भुवन बाम है तो उम्मीद भी है सीरीज अच्छी होने वाली है, ऐसा उम्मीद है। बस जब सीरीज आएगा पता ही चल जाएगा, 25 जनवरी को आएगा अमेजॉन मिनी टीवी पे। और यूट्यूब में मेरी तरह भटकते रहते होगे तो पता ही होगा राउंड टू हेल कौन है, उनका एक वीडियो आया है नेटफ्लिक्स इंडिया पे टाइम ट्रेवल को लेके। वीडियो तो ठीक ठाक था, पर इससे हिंट भी मिल रहा है कि नेटफ्लिक्स राउंड टू हेल को रिकॉग्नाइज कर चुकी है और बहुत जल्दी इनका कोई सीरीज नेटफ्लिक्स पे आने वाला है। ये कोई न्यूज नहीं हुई, राउंड टू हेल के फैंस आएंगे, वीडियो देखेंगे और व्यूज भी। नहीं नहीं एक्चुअली मैं चाहता हूँ राउंड टू हेल की कोई डीप डार्क ह्यूमर वाली वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे आए, वो कब आएगा पता नहीं लेकिन एक ना एक दिन तो आएगा। अब बात करते हैं मच अवेटेड मूवी थलापति 67 का, जिसका अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि मूवी का नाम क्या होगा, मूवी का टीजर कब आएगा, ट्रेलर कब आएगी, फिल्म लोकेश यूनिवर्स का हिस्सा होगी या नहीं, इन सब चीजों का ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और इसी बीच में एक क्लिप वायरल हुआ किसी थिएटर का, जहां हमें थलापति 67 का मोशन पोस्टर देखने को मिलता है। पोस्टर देखने में तो काफी रियल लग रहा था, पर वो एक्चुअल में ऑफिशियल पोस्टर नहीं था, एक फैन मेड पोस्टर था। और मैं अपने आप को कोसता रहा कि वरिष्ठ फिल्म देखने के बाद थिएटर से जल्दी क्यों बाहर आ गया। थलापति 67 का इंतजार तो बहुत है, पर अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आया है। इतना पता है कि फिल्म की शूटिंग चालू है और लोकेश कनगराज ने किसी इंटरव्यू पे ये कहा था कि वरिष्ठ फिल्म के 10 दिन के बाद हम कुछ ऑफिशियली अनाउंस करेंगे थलापति 67 के बारे में। 26 जनवरी को कुछ ना कुछ तो देखने को मिल ही जाएगा इसके रिगार्डिंग। अगर जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं अपडेट दे दूंगा। अब आते हैं पठान मूवी के ओवरसीज एडवांस बुकिंग पे, स्क्रीन पे है आप देख सकते हो, पॉज करके पढ़ लेना कौन से देश में कितने टिकट सोल्ड हुए और फिल्म ऑलरेडी कितने ग्रॉस कमाई कर चुकी है। और हर बार की तरह इस बार भी लास्ट में कुछ ओडिया मूवीज के टीजर और ट्रेलर के बारे में बात करेंगे, जो देखने में काफी बढ़िया लगे और मैं चाहता हूँ थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिल जाए। पहला टीजर है फाल्गुना चैत्र, जो एक फैमिली ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें हमें चौधरी जयप्रकाश दास दिखने वाले हैं, जिनको हम पहले भी देख चुके हैं प्रतीक्षा मूवी में, काफी बढ़िया काम किए थे उसमें। और दूसरा टीजर है एक हॉरर मूवी का, ओडिया मूवी इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, मूवी का नाम चंद्रमा होने वाला है। सच बताऊं तो हॉरर फिल्मों से बहुत फटती है मेरी, फिर भी इस वाले टीजर को देखने के बाद मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। टीजर यूट्यूब पे अवेलेबल है, चेकआउट कर लेना। चलो तो इस वाले वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 200 सब्सक्राइबर करना है महीने खत्म होने तक, उम्मीद है आप कर दोगे। और कमेंट बताओ कि मूवी से रिलेटेड किस टाइप का वीडियो देखना पसंद है, मैं उस टाइप की वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। चलो तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आरडीएक्स व्यू।